पिंडलियों में दर्द या काफ पेन आखिर कैसे होता है और इसे कैसे ठीक किया जाए। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ गुड़गांव के। दोस्तों काफ पेन होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन होता है कि आपको काफ में इंजरी हो गई, डायरेक्ट चोट लग सकती है या एक्सेसिव वर्कआउट या रनिंग की वजह से स्ट्रेन भी पड़ सकता है। दूसरा रीजन होता है वैस्कुलर, कि आपकी जो वेसल्स हैं, जो आर्टरीज हैं, उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है जो आपको काफ पेन दे रही है। तीसरा आता है स्पाइनल, जो हमारे पैरों के अंदर जो नर्व्स आती है दोस्तों, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती है, हमारी बैक से ओरिजिनेट होती है। अगर वहाँ पे सेंट्रल कंप्रेशन है तो जनरली क्लाउडिकेशन या काफ पेन जैसे सिम्टम्स आते हैं। इसके अंदर जब आप चलते हैं तो आपका काफ पेन बढ़ता रहता है, फिर आपको बैठना पड़ता है थोड़ी देर के लिए काफ पेन को कम करने के लिए। स्पाइनल भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है काफ पेन का, स्पाइनल कॉजेज, जिसके अंदर डिस्क बल्ज, फ्रैक्चर्स या फिर डीजनरेशन ऑफ स्पाइन मेन है। एक और कारण रहता है, उसका नाम है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। बहुत सारे एथलीट्स के अंदर कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप होना होता है काफ के अंदर, जनरली जब वो बहुत ज़्यादा उनकी एक्सेसिव रनिंग होती है स्पोर्ट्स के अंदर, तो काफ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होने लगता है और वो धीरे धीरे कंपार्टमेंट सिंड्रोम रूप ले लेता है और काफ़ी सीवियर काफ पेन होता है। तो बहुत ज़रूरी है डायग्नोस करना कि आखिर किस प्रॉब्लम की वजह से आपको काफ पेन। अगर आपको काफ पेन इंजरी के कारण हो रहा है तो आप पहले दिन आप प्राइस थेरेपी से चालू कर सकते हैं, PRICE। आपको काफ में इंजरी हुई है, स्ट्रेन पड़ गया है, सो पी का मतलब प्रोटेक्शन, थोड़े दिन रेस्ट कीजिए, यहाँ वहाँ घूमिए मत। आर रेस्ट, PRI आइस पैक्स, आइस फोमेंटेशन बहुत अच्छे रहते हैं। सी कंप्रेशन, आप क्रैप बैंडेज बांध सकते हैं। और ई एलिवेशन, रात को सोते समय आप अपने तकिए पे पैर रख के सोइए। तो ये पहले का एक इनिशियल ट्रीटमेंट मेथड है जिससे आपका काफ पेन धीरे धीरे कम होगा अगर आपको इंजरी लगी है। उसके बाद बात आती है काफ रिहेबिलिटेशन की, तो इसके अंदर काफ की स्ट्रेंथनिंग और काफ की स्ट्रेचिंग्स कॉमन है। ये दोनों आप करेंगे तो धीरे 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 आपका काफ पेन ठीक हो जाएगा। अगर आपका काफ पेन वेस्कुलर प्रॉब्लम्स की वजह से है तो आपको एक CTVS कार्डियोवैस्कुलर थोरेसिक सर्जन या फिर सर्जन से मिलना पड़ेगा। वो ढंग से इन्वेस्टिगेट करके बताएंगे कि सबसे सही इलाज क्या रहेगा आपके काफ पेन को ठीक करने। अगर स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन की वजह से आपको काफ पेन आ रहा है तो इसमें MRI करानी पड़ती है दोस्तों, देखने के लिए कि आखिर किस एरिया में, किस रीजन में कितनी बड़ी डिस्क या ऑस्टियोफाइट आपके नर्व को कंप्रेस कर रहा है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि आपको काफ पेन के अलावा और क्या क्या सिम्टम्स हैं। सो इसके अंदर रेगुलर एक्सरसाइजेज भी होती है ट्रीटमेंट में, ज़्यादा सीवियर है तो उसमें इंजेक्शंस भी लगाए जा सकते हैं कमर के अंदर, ये नहीं तो फिर लास्ट में कमर का ऑपरेशन होता है जिसमें जो कंप्रेशन है वो हटा दिया जाता है और आपका धीरे धीरे काफ पेन ठीक होने लगता है। अगर आपका काफ पेन कंपार्टमेंट सिंड्रोम की वजह से है तो इनिशियली रिहेबिलिटेशन इसमें बहुत हेल्प करती है, रेगुलर स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइजेज से धीरे धीरे कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने के चांसेस कम होते रहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती रहती है। पर कुछ कुछ एथलीट्स में उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा काफ पेन रहता है, तो उसमें छोटी सर्जरी की जाती है कंपार्टमेंट सिंड्रोम में कंपार्टमेंट को रिलीज़ करने के लिए, और उस छोटी सर्जरी के बाद आपका काफ पेन ठीक हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह कोई भी सिम्टम्स है तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं और हम उसको पढ़ के उसका